हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विजन आईएएस पीटी 365 का लेक्चर। दोस्तों, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी 365 के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और ये करंट अफेयर्स दोस्तों आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है अब तक कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। दोस्तों, हमने बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और आईटी कंप्यूटर में कहां तक कवर कर लिया है, ड्रोन्स रेगुलेशन इन इंडिया, ये कवर कर लिए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। आज के इस लेक्चर के जरिए हम ये चार टॉपिक्स कवर करेंगे। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं, स्पेशल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो स्पेशल डाटा और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को। दोस्तों, ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि दोस्तों हाल ही में गवर्नमेंट ने एक पब्लिक एडवाइजरी इशू करी है जिसके जरिए ये स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज को स्टॉप करना चाहते हैं भारत में देने से, है ना। क्योंकि दोस्तों, इन्होंने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज ने भारत सरकार से एक प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लिया नहीं है, तो इसीलिए बोला है भारत सरकार ने नागरिकों को कि आप स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे, इसलिए ये न्यूज में रहा था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, और ये न्यूज में क्यों रहा, इसके बारे में और समझते हैं। दोस्तों, आपको पता है कमर्शियल लॉन्च के लिए, याद रखिए, कोई भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को अगर आप कमर्शियली लॉन्च करना चाहते हैं तो कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे, और ये लाइसेंस का क्या नाम है, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये लाइसेंस का एक तरीके से नाम है। दोस्तों, ये लेना पड़ता है किसी भी कंपनी को। होप आई आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। तो दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज होता क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज सिंपल सा मतलब है कि सैटेलाइट के जरिए आप जब इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं तो उसी को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज कहा जाता है। इससे पहले दोस्तों, एक और मैं चीज बताना भूल गया यहाँ पे, याद कीजिए, जो लाइसेंस लिया जाता है ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत लिया जाता है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या होता है। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है जो इस्तेमाल करता है किसका, सैटेलाइट्स का, जो भी स्पेस में सैटेलाइट्स होती है उनका इस्तेमाल करता है ताकि इंटरनेट सिग्नल्स को प्राप्त किया जा सके। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, ठीक है। और ये ऑपरेट करता है टू वे सैटेलाइट, याद रखिए, टू वे सैटेलाइट्स पे ऑपरेट करता है, जैसे कि वीसैट मतलब वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट टू आर लाइसेंस बिटवीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड यूजर्स विद सैटेलाइट डिशेस। तो याद रखिए, ये टू वे सैटेलाइट्स पर वर्क करता है, कौन सा, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। दोस्तों, दीज कैन बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और दोस्तों सैटेलाइट आपको पता है दो तरीके की हो सकती है, एक तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक और दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट। समझे कि समझे, लो अर्थ ऑर्बिट में आपको पता है 500 से लेके 2000 किलोमीटर तक होती हैं सैटेलाइट्स। और याद रखिए, लो अर्थ जो ऑर्बिट की सैटेलाइट हैं बहुत सारी कंपनीज लॉन्च कर रही हैं, जैसे कि स्टारलिंक आपको पता है स्पेसएक्स की कंपनी है, क्यूपीआर जो है अमेजोन की, और वन वेब भी एक कंपनी है। दोस्तों, इनके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज दोस्तों बहुत सारे हैं, जैसे कि लो लेटेंसी इन द सिग्नल ट्रांसमिशन, ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। एडवांटेजेस ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट सिस्टम, याद रखिए स्पेस बेस्ड इंटरनेट का भी फायदा है इसमें, जैसे कि यूजिंग सैटेलाइट्स इन जीईओ कंपेयर टू एलईओ, सर्विसेबल एरिया ऑन अर्थ बाय ईच सैटेलाइट इज मोर, याद रखिए जितना भी सर्विसेबल एरिया है सैटेलाइट द्वारा वो बहुत ज्यादा होता है, इजियर टू एस्टेब्लिश होता है ट्रांसमिशन लिंक बिटवीन सैटेलाइट। तो ये सारे के सारे आपको फायदे मिल जाएंगे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के। और समझते हैं दोस्तों इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैटेलाइट टेलीविजन, याद रखिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो होती है सैटेलाइट टेलीविजन से डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट सिग्नल्स हैव टू गो बोथ वेज, मैंने बता चुका हूं जो इंटरनेट सिग्नल्स हैं वो बोथ वेज से जाने चाहिए विद मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ टू मूव ऑल दैट डाटा। द अदर टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया, याद रखिए दूसरे प्रकार की इंटरनेट सर्विसेज कौन सी है भारत में, जैसे कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट, वायरलेस सेलुलर नेटवर्क जिसमें 4G, 5G और फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये सारे के सारे इंटरनेट सर्विसेज हैं भारत में अभी फिलहाल। मॉडल्स फॉर सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी इंक्लूड, याद रखिए कौन कौन से जो मॉडल्स हैं सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं। तो आपको पहला मॉडल है हाइब्रिड। हाइब्रिड में दोस्तों क्या होता है, हाइब्रिड को इनडायरेक्ट मॉडल भी कहते हैं, याद रखिए ये मॉडल है कौन सा, सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी का। दोस्तों इनडायरेक्ट मॉडल में क्या आता है या हाइब्रिड में, दोस्तों इस मॉडल में हर एक सेंसर जो है और एक्टुएटर जो है
इन अ नेटवर्क मे कम्युनिकेट विद द सैटेलाइट थ्रू एन इंटरमीडिएट सिंक नोड लो लोअर वाइड एरिया नेटवर्क गेटवे। तो ये एक एग्जांपल है, याद रखिए हाइब्रिड इनडायरेक्ट मॉडल में इनडायरेक्ट तरीके से एक तरीके से सैटेलाइट जो है कम्युनिकेट करता है, इसमें कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट होता है, समझे कि नहीं समझे, इंटरमीडिएट सिंक नोड होता है जिसके जरिए डाटा का ट्रांसमिशन होता है। अगला जो है दोस्तों मॉडल किस चीज का, सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी का, वो है डायरेक्ट टू सैटेलाइट मोड। इसमें दोस्तों सैटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, इसमें कोई भी जो है मीडिएटर जरूरत नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों allows devices to directly communicate with the satellite without the need of any intermediate ground gateway. समझे कि नहीं समझे, तो ये difference हो गया इन दोनों में। अगला समझते हैं दोस्तों benefit. Benefit क्या है satellite internet services के और इसके challenges क्या है। तो दोस्तों पहले benefit की बात करते हैं, दोस्तों ये cheap है, easy internet available है, इसके अलावा fast last mile connectivity भी provide करता है, समझे कि नहीं समझे, ये सारे के सारे फायदे हैं। ये faster होता है than DSL connection, इसके अलावा दोस्तों इसकी जो speed होती है 100 Mbps तक पहुंच जाती है, और ये दोस्तों एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है इन इमरजेंसी और डिजास्टर रिकवरी। तो ये सारे के सारे फायदे हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के। कुछ चैलेंजेस भी हैं दोस्तों, पहला चैलेंज है लो स्पीड और हाई लेटेंसी, है ना, और दूसरा है हाई कॉस्ट, तीसरा है लिमिटेशन ऑफ बैंडविड्थ, हाई इंपैक्ट ऑफ वेदर एब्रेशन, तो वेदर अगर खराब हो गई तो उसका भी दोस्तों बुरा प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। इसके अलावा पोटेंशियल टू डैमेज स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट्स, है ना, अगर हम ज्यादा इंटरनेट वाले सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे तो जो स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको डैमेज कराया जा सकता है। हायर सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज सैटेलाइट नेटवर्क, है ना, क्योंकि भाई आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे, और अगर आप बहुत सारे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च करोगे जो तो स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं उनको डैमेज करा जा सकता है। पोटेंशियल टू इंक्रीज स्पेस जंक, ये भी बहुत बड़ी दुविधा है, स्पेस जंक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो याद रखिए ये भी एक प्रॉब्लम है। नॉट कंपेटिबल फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज, याद रखिए ये कंपेटिबल नहीं है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए, ठीक है। ये जो शब्द आया था लेटेंसी, लेटेंसी शब्द का क्या मतलब होता है दोस्तों, लेटेंसी शब्द का मतलब होता है पिंग टाइम। पिंग टाइम मतलब क्या होता है, रेफर्स टू हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ सिग्नल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ राउंड ट्रिप बैक फोर्थ ओवर अ सैटेलाइट कनेक्शन, समझे कि नहीं समझे, भाई कोई भी कनेक्शन गया है अब उसको सैटेलाइट तक पहुंचा और वापस नीचे तक पहुंचा, कहने का मतलब राउंड ट्रिप कितने टाइम पे लगा पाता है उसी को कहते हैं लेटेंसी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इंटरनेट सर्विसेज यानी सैटेलाइट सर्विसेज से रिलेटेड ही और क्या न्यूज रही उसको भी समझ लेते हैं, और कौन कौन सी न्यूज रही है याद रखिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड। पहली है दोस्तों इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में सतनम पॉलिसी भी कहा जाता है 2021, याद रखिए ये पॉलिसी लाई गई है 2021 में जिसको कहा जाता है सतनम पॉलिसी, और ये कौन लाया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लाया है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ये है क्या इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी, दोस्तों सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एक कंस्टेलेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स होता है विद ग्लोबल और रीजनल कवरेज एंड इट्स सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन टू प्रोवाइड ऑल वेदर पैसिव थ्री डायमेंशनल पोजिशन वेलोसिटी एंड टाइमिंग डाटा। तो याद रखिए ये सारे के सारे एक तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, और क्या और दोस्तों मेजर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से पॉलिसीज के, दोस्तों मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि गारंटीड करना और कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, फॉर सिविलियन यूजेस एंड सिक्योर नेविगेशन सिग्नल फॉर स्ट्रेटेजिक यूजेस। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, और क्या है वर्किंग टूवर्ड्स compatibility or interoperability of Indian satellite navigation and augmentation signals with other global navigation satellites. तो ये भी objective है दोस्तों, ठीक है, और satellite based augmentation system signals. I hope आपको clear हुआ होगा, और क्या दोस्तों इसका एक और objective है कि provide करना position, velocity और time based services. समझे कि नहीं समझे, और continue करना to continue and upgrade space based navigation services ये SBS as part of government's आत्मनिर्भर भारत, समझे कि नहीं समझे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए अपग्रेड करना स्पेस बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज को भी एक ऑब्जेक्टिव है इसका, सिक्योर करना SBNS एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इज प्रोवाइडेड थ्रू नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन जिसको नाविक भी कहते हैं। नाविक आपको पता है एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, डेवलप करा गया था इसको इसरो द्वारा, है ना, जैसे जीपीएस है अमेरिका का वैसे भारत का नाविक है। IRNSS एक कंस्टेलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट है, 3 इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड 4 इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो याद रखिए IRNSS और SBAS
सर्विस बाय जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसको शॉर्ट में गगन कहा जाता है। याद रखिए इसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन फॉर इंडियन एयर स्पेस। गगन जो है जॉइंटली डेवलप करा गया था इसरो और AAI टू प्रोवाइड नेविगेशनल सर्विसेज एंड पोजिशन एक्यूरेसी फॉर एविएशन। अगला टॉपिक समझते हैं दोस्तों, आई होप आपको इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज क्लियर, सॉरी इंटरनेट बोल रहा हूँ, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तो आप मोबाइल में भी इस्तेमाल करते होंगे, आप फेशियल लॉक लगाते होंगे, तो वही दोस्तों है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर स्टडी करी गई थी, इसको ओके कर दिया है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे, तो इसीलिए ये न्यूज में रहा। अब समझते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको पता है ये एक ऐसा तरीका है आइडेंटिफाई करने का या कंफर्म करने का एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी यूजिंग देयर फेस, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल इन फोटोज वीडियोज और इन रियल टाइम। तो याद रखिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जगह हो सकता है, हम किसी पर्सन को फोटोज के जरिए वीडियोज के जरिए रियल टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पुलिस वगैरह भी दोस्तों बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करती है, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर एल्गोरिथम्स मैप्स यूनिक फेशियल लैंडमार्क सच एज शेप ऑफ द चीक बोन्स कॉन्टोर्स ऑफ लिप्स एक्सेट्रा एंड कन्वर्ट दिस इनटू न्यूमेरिकल कोड्स। तो याद रखिए जो कंप्यूटर के एल्गोरिथम है फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और याद रखिए ये फेस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है ये एसोसिएटेड है किसके साथ, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कंपेयर्स द फेस प्रिंट जनरेटेड विद अ लार्ज एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑफ फेस प्रिंट। हाल ही में दोस्तों गवर्नमेंट ने अप्रूव करा इंप्लीमेंटेशन किस चीज का, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का, जिसको शॉर्ट में NAFRS कहते हैं। NAFRS जो है टू बी यूज्ड बाय पुलिस पैन इंडिया विल बी इशूड बाय NCRB। तो याद रखिए NAFRS का इस्तेमाल जो है पुलिस करेगी पूरे पैन इंडिया में, ताकि जो भी क्रिमिनल्स वगैरह है उनको पकड़ने में आसानी हो सके दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एप्लीकेशन या बेनिफिट क्या है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग एट चेक पॉइंट लाइक एंट्री पॉइंट सिक्योरिटी चेक पॉइंट एयरक्राफ्ट बोर्डिंग, तो यहाँ पे दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों मिसिंग चिल्ड्रन और पर्सन वगैरह को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करेगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड कंसर्न भी है। याद रखिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कंसर्न भी है, जैसे पहला कंसर्न क्या है प्राइवेसी का, है ना। दूसरा दोस्तों एब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई भी कानून नहीं है भारत में, तो ये भी एक इशू है। पोटेंशियल फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड मास सर्विलेंस, है ना, स्टेट जो है मास सर्विलेंस कर सकता है, तो ये भी एक तरीके से कंसर्न है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स, आपको पता है अलग अलग तरीके के बायोमेट्रिक्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में तो आपको पता है आई का फिंगरप्रिंट का डिफरेंट बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। तो पहला है दोस्तों बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स, इसमें क्या क्या आता है, टाइपिंग नेविगेशन फिजिकल स्टाइल इंटरेक्शन स्टाइल, ये सारे बिहेवियरल बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स में आते हैं। फिजिकल बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स में क्या आते हैं, फेस आई स्कैनर वॉइस रिकॉग्निशन फिंगरप्रिंट सिग्नेचर, और केमिकल वेन ब्लूप्रिंट आइडेंटिफायर्स में DNA वगैरह आता है और वेन रिकॉग्निशन आते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये कौन कौन से क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक कौन कौन से, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ सम ऑफ द मेथड्स, कौन डिफरेंट दोस्तों मेथड्स के क्या क्या मैकेनिज्म है। फिंगरप्रिंट के भी दोस्तों डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स आर इजी टू कैप्चर एंड कैन वेरीफाइड बाय कंपेयरिंग द यूनिक लूप्स आर्चेस एंड वॉल्स इन ईच पैटर्न। तो अलग अलग दोस्तों क्या कहते हैं बायोमेट्रिक्स के अलग अलग मेथड है, तो आपको पता होना चाहिए। फिंगरप्रिंट्स तो आपको पता है आधार कार्ड में भी लिए जाते हैं, आजकल तो दोस्तों मोबाइल में वॉइस रिकॉग्निशन होता है, तो इसके जरिए वॉइस रिकॉर्ड करी जाती है किसी पर्सन की, और फिर उसी वॉइस के जरिए आपको पता है कोई भी मोबाइल है या कोई भी कंप्यूटर है खुलता है। रेटिना स्कैन आपको पता है आधार कार्ड में लिया जाता है, मैं बता चुका हूँ। की स्ट्रोक डायनेमिक्स क्या होता है, लेवरेज द फैक्ट दैट पीपल फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न व्हाइल टाइपिंग ऑन कीबोर्ड और कीपैड, समझे कि नहीं समझे। की स्ट्रोक डायनेमिक क्या है, आपको पता है जब कोई भी बंदा कंप्यूटर वगैरह पे टाइपिंग करता है तो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है, तो उसका भी दोस्तों एक तरीके से बायोमेट्रिक लिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द अफोरमेंशन इंडिकेटर्स अदर बायोमेट्रिक्स आर ऑल्सो इमर्जिंग, जैसे कि एयर ऑथेंटिकेशन फुटप्रिंट और फुट डायनेमिक गेट रिकॉग्निशन, तो ये भी एक तरीके के नए बायोमेट्रिक्स इमर्ज होकर आ रहे हैं।
अगला टॉपिक है जियो स्पेशल डाटा। दोस्तों जियो स्पेशल डाटा क्या है, आपको पता है दोस्तों बहुत सारे धरती के में सैटेलाइट आजकल भेजे जा रखे हैं, और सैटेलाइट के जरिए दोस्तों जियो मतलब होता है अर्थ। दोस्तों अर्थ का अलग अलग डाटा लेना कि भाई कहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन है, कहाँ पे अर्बन इलाका है, कहाँ पे रूरल इलाका है, ठीक है, और कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ है, तो ये सारा का सारा कहलाता है जियो स्पेशल डाटा। समझे कि नहीं समझे, तो जियो स्पेशल डाटा न्यूज में क्यों रहा पहले ये समझते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करा है 3 वेब पोर्टल टू ऑफर जियो स्पेशल डाटा। याद रखिए, एक 3 वेब पोर्टल लॉन्च करा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, ताकि भाई ये जियो स्पेशल डाटा को ऑफर कर सके। और ये कलेक्ट करा है किसने, जियो स्पेशल डाटा ये कलेक्ट करा है सर्वे ऑफ इंडिया ने, याद रखिए, एंड नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, इधर फ्री और एट अ नॉमिनल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। समझे कि नहीं समझे, आप समझते हैं, हमने समझ लिया न्यूज में क्यों रहा, आप समझते हैं एप्लीकेशंस लॉन्च, कौन कौन से एप्लीकेशन लॉन्च करे गए हैं ये जियो स्पेशल डाटा को प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया जियो स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन पोर्टल, याद रखिए, प्रोवाइड करता है वेरियस डाउनलोडेबल फॉर्मेट्स 4000 मैप्स विद नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल डाटा। तो याद रखिए, ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है अलग अलग तरीके के फॉर्मेट प्रोवाइड करता है मैप के, जिसके जरिए स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल के डाटा आपको मिल सकते हैं, ठीक है। SOI मतलब क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया, बार बार मैं फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा दोस्तों। SOI जो है एक वेब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दोस्तों याद रखिए, SOI यानी सर्वे ऑफ इंडिया ने वेब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सारथी लॉन्च करा, याद रखिए, सारथी किसने लॉन्च करा, सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो कि हेल्प करता है यूजर्स इन क्रिएटिंग एप्लीकेशन फॉर जियो स्पेशल डाटा विजुअलाइजेशन मैनिपुलेशन एनालिसिस विदाउट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एट देयर एंड, ठीक है। आप समझते हैं जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। दोस्तों जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा फिजिकल मैपिंग ऑफ डाटा होता है किसके अंदर, विद इन अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि आपको पता है ना, हरिकेन मैप इज ओवरलेड, अगर सपोज मान लीजिए जहां पे हरिकेन का मैप ओवरलेड है, उसी के ऊपर दोस्तों एक अनदर लेयर बना देते हैं शोइंग पोटेंशियल एरियाज ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। समझे कि नहीं समझे, तो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए ऑलरेडी कोई मैप बना हुआ है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो उसी मैप के ऊपर किसी और भी चीज की इंफॉर्मेशन बता देने को कहा जाता है जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझे कि नहीं समझे, एक और देख लेते हैं दोस्तों, मानचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल, याद रखिए, मानचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल किसका, किसके अंतर्गत आती है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। और ये मानचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल जो है क्या करता है दोस्तों, मेक करता है अवेलेबल थीमेटिक मैप्स। समझे कि नहीं समझे, जो भी हमारे थीमेटिक मैप्स होते हैं, याद रखिए, ये मानचित्र एंटरप्राइज उनको बनाती है, एज अ कल्चरल मैप ऑफ इंडिया, द क्लाइमेटिक मैप और द इकोनॉमिक मैप, याद रखिए, ये सारे के सारे मैप ये मानचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल बनाता है, ठीक है। आप समझते हैं जियो स्पेशल डाटा के बारे में। दोस्तों जियो स्पेशल डाटा में क्या क्या आता है, दोस्तों जियो स्पेशल डाटा, इसको स्पेशल डाटा के नाम से भी बुलाया जाता है, ये दोस्तों इस्तेमाल करता है टू डिस्क्राइब डाटा अबाउट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों याद रखिए, जियो स्पेशल डाटा ऑब्जेक्ट के बारे में, इवेंट्स के बारे में, फिनोमिना के बारे में, चाहे मैन मेड हो या नेचुरल हो, उनको दोस्तों क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एट प्रेजेंट 80% ऑफ एनी डाटा हैज अ जियो स्पेशल कंपोनेंट, याद रखिए, जितना भी अगर आप मैप वगैरह पढ़ते हैं उसमें जितना भी डाटा होता है वो 80% जो होता है जियो स्पेशल डाटा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल इंक्लूड्स लोकेशन ऑफ रोड, अर्थक्वेक इवेंट, मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन और डायनेमिक लाइक मूविंग व्हीकल, पेडेस्ट्रेशन, स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन डिजीज, तो ये सारे के सारे जियो स्पेशल डाटा के कंपोनेंट हैं, ठीक है। दो मेन टाइप्स ऑफ जियो स्पेशल डाटा होते हैं, एक होता है वेक्टर डाटा और एक होता है रेस्टर डाटा। वेक्टर डाटा कौन सा होता है दोस्तों, वेक्टर डाटा जो है यूज करता है ज्योमेट्रिक शेप्स शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए, लोकेशन और शेप ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि पॉइंट्स, लाइंस, पॉलीगन्स, कैन रिप्रेजेंट थिंग्स लाइक सिटीज, रोड्स एंड वाटरवेज। समझे कि नहीं समझे, पॉइंट्स और लाइंस और पॉलीगन्स का इस्तेमाल होता है सिटीज, रोडवेज और वाटरवेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेक्टर डाटा जो है एक स्केलेबल, हैज अ स्मॉल फाइल साइज एंड आइडियल फॉर डिपिक्टिंग बाउंड्रीज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा है रेस्टर डाटा, रेस्टर डाटा दोस्तों रिप्रेजेंट करता है डाटा थ्रू डिजिटल इमेज। समझे कि नहीं समझे, इसको दोस्तों डाटा को डिजिटल इमेज के जरिए रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे कि स्कैन मैप और फोटोग्राफ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एरियल सेटेलाइट इमेजनी, तो दोस्तों जो भी सेटेलाइट से इमेज ली जाती है उसको रेस्टर डाटा के अंतर्गत ही आता है। रेस्टर डाटा जो है दोस्तों यूज करता है सेल बेस्ड फॉर्मेट, जिसको बुलाया जाता है स्टेयर स्टेपिंग, टू रिकॉर्ड डाटा एक्स पिक्सल्स और ग्रिड्स विद द इमेज। स्पेशल एनालिसिस डिपेंड्स हेवली ऑन द
रजिस्टर डाटा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं की ट्रेंड्स दैट आर ड्राइविंग द जियोस्पेशियल इंडस्ट्री कौन कौन से हैं दोस्तों। की ट्रेंड एक है मैसिफिकेशन ऑफ मैप्स, डिमांड फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, अडेप्टेशन फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज और मशरूमिंग स्टार्टअप कम्युनिटी। तो ये सारे के सारे जो है की ट्रेंड्स दैट आर ड्राइविंग द जियोस्पेशियल इंडस्ट्री। समझे कि समझे। अब समझते हैं दोस्तों अबाउट जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी में दोस्तों क्या क्या इंक्लूड होता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड होता है, रिमोट सेंसिंग इंक्लूड होता है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जिसको शॉर्ट में जीपीएस कहते हैं। याद रखिए ये सारे के सारे जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी हेल्प करता है कलेक्ट करने में क्या डाटा अबाउट एसेट रिसोर्सेस, इनेबल्स एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड टेक इन्फॉर्म्ड एक्शन। तो ये सारे के सारे फायदे हैं दोस्तों जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज के। ठीक है, किसी भी डाटा को इकट्ठा करना, इंटरप्रिटेशन करना, मॉनिटर करना, प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सारा का सारा फायदा है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का दोस्तों। क्यों? जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के जरिए हम डाटा रिसीव करते हैं दोस्तों। बहुत सारे जो मिशन है जैसे कि जल जीवन मिशन है, अटल भूजल योजना है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है इन्हीं टेक्नोलॉजी पे आधारित है। अगर जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ये सारे के सारे मिशन चलाए नहीं जा सकते। बहुत सारे दोस्तों जीआईएस बेस्ड इनिशिएटिव भी लिए गए हैं भारत में दोस्तों, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, याद रखिए ये भी जीआई बेस्ड इनिशिएटिव है अंडर नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा नेशनल स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे के सारे जीआई बेस्ड इनिशिएटिव है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। कुछ अदर एप्लीकेशन ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी भी हैं, जैसे कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एक रेजिलियंस है, सोशल डेवलपमेंट है। याद रखिए ये सारे के सारे एप्लीकेशन है किस चीज के, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के। एनर्जी में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, कनेक्टिविटी में भी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक वर्क एंड यूटिलिटीज, पब्लिक सेफ्टी ऑपरेशंस और पब्लिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब में दोस्तों एप्लीकेशन है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का। अगला करंट अफेयर्स समझते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी रही है दोस्तों उसके बारे में भी समझ लेते हैं। पहली है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों एक स्कीम लॉन्च करी गई है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसका नाम है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिक्स एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में साथी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों एक इस प्लान टू सेटअप 5 साथी सेंटर्स एवरी ईयर, याद रखिए 5 साथी सेंटर्स ये हर साल सेटअप करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। 3 सेंटर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, 3 सेंटर ऑलरेडी इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिए हैं, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली और बीएचयू वाराणसी में। ठीक है, ये करेंगे क्या दोस्तों, साथी सेंटर ये जो है करेंगे क्या, आपको पता चल रहा होगा। देखिए अगर फुल फॉर्म आप रीड करेंगे तो समझ जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिक्स एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। तो टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट है एक तरीके से दोस्तों। ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे कॉमन सर्विस ऑफ हाई एंड एनालिटिक टेस्टिंग, दस avoiding duplication and reduce dependency on foreign resources. The aim is to provide professionally managed services. समझे कि नहीं समझे। अगला न्यूज क्या है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसको शॉर्ट में IPvS 6 कहते हैं। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने फिक्स करा है 30 जून 2022 एक डेडलाइन, किसके लिए दोस्तों, फॉर कंप्लीट ट्रांजिशन टू IPv6 फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका ट्रांजिशन IPv6 पे किया जाएगा। ठीक है, एंड December 2022 फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये डेडलाइंस गवर्नमेंट सरकार ने, भारत सरकार ने सेटअप करी है दोस्तों। आईपी का मतलब क्या है, आपको पता है आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों आईपी एक ऐसा एड्रेस होता है असाइन करा जाता है ईच डिवाइस को, हर एक डिवाइस को असाइन करा जाता है, कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ईच डिवाइस uses an IP address for communication। और आपको पता है हर एक जो डिवाइस होता है वो IP address का ही इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। एक IP address दोस्तों दो पार्ट से मिलकर बना होता है, आपको पता है पहला पार्ट जो है नेटवर्क होता है, नेटवर्क एड्रेस, और दूसरा जो पार्ट होता है होस्ट एड्रेस। समझे कि नहीं समझे, IP याद रखिए दो पार्ट से मिलकर बना होता है। IPv6 जो है एक मोस्ट रिसेंट वर्जन है किस चीज का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का, टू प्रोवाइड एन आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन सिस्टम फॉर computers on network and routes traffic across the internet known as IP address। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, IP अभी तक कौन कौन से develop करे जा सकते हैं, और recent है IPv6। ठीक है, अगली news देख लेते हैं इससे related, वो है in-flight Wi-Fi। in-flight Wi-Fi क्या है, मतलब आपको पता है अगर आपने अभी भी कभी दोस्तों एरोप्लेन वगैरह में ट्रेवल करा है तो आपको पता है एरोप्लेन वगैरह में जो है आप वाईफाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि भाई आपको पता है ना कि उससे दुर्घटना का सामना हो सकता है। लेकिन अब जो है
पहली बार फ्लाइट में आप वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो इसीलिए ये न्यूज में रहा है। ठीक है, हाल ही में टेलीकॉम कमीशन ने गिवन करा है, मतलब दिया है क्या, ग्रीन सिग्नल किस चीज के लिए, टू इन फ्लाइट कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन ऑन एयरक्राफ्ट इन इंडियन स्पेस इन 2018। समझे कि नहीं समझे। हाउएवर देयर हैज बीन म्यूटेड रिस्पॉन्स फॉर इन फ्लाइट वाईफाई, तो यहाँ इसका म्यूटेड रिस्पॉन्स रहा है इन फ्लाइट वाईफाई का। समझे कि नहीं समझे। ब्रॉडली दोस्तों इन फ्लाइट वाईफाई जो है कनेक्टिविटी करता है किस चीज का दोस्तों, सिस्टम यूजेस टू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखिए इन फ्लाइट कनेक्टिविटी जो है टू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सिस्टम जो है यूज करता है टू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, पहला है एयर टू ग्राउंड वाईफाई एंड सेटेलाइट वाईफाई रेफर टू इन्फोग्राफिक्स। समझे कि समझे, यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं दोस्तों। टू डिफरेंट वेज वाईफाई वर्क्स ऑन एरोप्लेन, पहला है दोस्तों सेटेलाइट्स, डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम द एयरप्लेन टू प्रोवाइड ग्लोबल हाई स्पीड कनेक्टिविटी, और दूसरा है एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी, डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम द एयरप्लेन टू द ग्राउंड एंड बैक, दिस ओनली वर्क्स ऑन लैंड एंड कनेक्ट हैंडल स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो याद रखिए जो एयरप्लेन में वाईफाई है वो टू डिफरेंट वेज में वर्क करता है। ठीक है, अब समझते हैं मेन रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ अपटेक क्या है। दोस्तों आपको पता है रेट्रोफिटिंग एंटेनास फॉर वाईफाई इज एक्सट्रीमली कॉस्टली है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर्स, ये भी दोस्तों याद रखिए ये मेन रीजन है फेलियर के। इसके अलावा लो पैसेंजर डिमांड भी है इसका मेन रीजन, किस चीज का, फेलियर ऑफ अपटेक का। दोस्तों वाईफाई स्टैंड करता है आपको पता है वायरलेस फिडेलिटी, ये तो आपको पता ही होगा फुल फॉर्म इसका, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों ये जो है आपको पता है वाईफाई जो है किस पे वर्क करता है, रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ठीक है, एंड इट इज बिल्ड अपॉन द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट अलाउ हाई स्पीड एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट्स एंड हार्डवेयर्स। द टिपिकल रेंज ऑफ अ स्टैंडर्ड वाईफाई नेटवर्क कैन रीच अप टू 100 मीटर इन एन ओपन एयर। अगली न्यूज देख लेते हैं पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस स्पाईवेयर मतलब दोस्तों हाल ही में आपको पता है पेगासस जो है न्यूज में रहा, क्यों, क्योंकि आपको पता है स्पाईवेयर है एक तरीके का, ये जो है डेवलप करा गया है इजरायली फर्म जिसका नाम है एनएसओ द्वारा, याद रखिए इजरायली एक फर्म है जिसका नाम है एनएसओ, इसने ये पेगासस स्पाईवेयर डेवलप करा है। ठीक है, ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये स्पाई करता है, अभी पाया गया कि ये जो है स्पाई कर रहा है जर्नलिस्ट का और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का इंडिया में, तो इसीलिए ये न्यूज में रहा था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए पेगासस कौन से देश से बिलोंग करता है, इजराइल से। दोस्तों एनएसओ ग्रुप जो है एक टेल अवेव बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी है और ये स्पेशलाइज्ड है किसमें, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में। याद रखिए पेगासस डिलीवर करता है चेन ऑफ जीरो डे एक्सप्लॉइट्स टू पेनिट्रेट सिक्योरिटी फीचर्स ऑन द फोन अदर डिवाइसेस। जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है दोस्तों, इज अ कंप्लीटली अननोन वल्नरेबिलिटी, समझे कि नहीं समझे, एंड देयर इज नो पैच टू और फिक्स अवेलेबल टू इट। तो याद रखिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल में और कंप्यूटर में ताकि किसी की जासूसी करी जा सके। एक और न्यूज रही है वो क्या है दोस्तों, यूटेलस क्वांटम सैटेलाइट। ये क्या है दोस्तों, ये यूटेल सेट, अगर मेरे से अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करा जा रहा तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, यूटेल सेट क्वांटम जो है एक वर्ल्ड का पहला कमर्शियल फुली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। याद रखिए पूरी दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल सैटेलाइट है ये यूटेलस क्वांटम सैटेलाइट, और ये हाल ही में लिफ्टेड करा गया कहां से, फ्रेंच गुआना से। आपको पता है फ्रेंच गुआना कहां है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, Unlike conventional models that are designed and hardwired on Earth and cannot be repurposed once in orbit, याद देखिए जो normal satellite वगैरह होते हैं वो आपको पता है cannot be repurposed once in orbit, लेकिन utilized quantum allow करता है users to tailor it almost in real time। ठीक है, इसका मतलब ये है कि satellite can be used to provide mobile coverage for moving objects such as an aircraft, ocean going vessels or coverage after a natural disaster or for one off events। It has been developed under ECA द्वारा, European Space Agency द्वारा ये develop करा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है यूटिलस क्वांटम सैटेलाइट किसके द्वारा develop करा गया, तो European Space Agency द्वारा develop करा गया है दोस्तों। ठीक है, अगली न्यूज है IndiGo। याद देखिए IndiGo का मतलब क्या है दोस्तों, याद देखिए ये इंडिया की पहली कैटल जेनोमिक्स चिप है, याद देखिए भारत की पहली कैटल जेनोमिक्स चिप्स है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स। तो आपको पता है भारत में कुछ हर देश में एक्चुअली कुछ ना कुछ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स पाई जाती हैं, तो भारत की भी कुछ ना कुछ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड है, तो उन्हीं के कंजर्वेशन के लिए याद रखिए इंडिया का पहला कैटल जीनोमिक चिप जो है लॉन्च करा गया है।
ठीक है, ये हेल्प करेगा टुवर्ड्स डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। याद रखिए ये जो है लार्जेस्ट कैटल चिप है इन द वर्ल्ड विद 11,496 मार्कर्स। ठीक है, अभी तक भारत की डेयरी में दोस्तों टिल नाउ इंडियाज डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन रेफरिंग टू द चिप्स व्हिच आर डेवलप्ड फॉर फॉरेन वेस्टर्न ब्रीड्स ऑफ कैटल। अभी तक दोस्तों हम लोग जो है फॉरेन जो भी वेस्टर्न ब्रीड्स है उनके लिए दोस्तों ये जो चिप वगैरह है डेवलप कर रहे थे, लेकिन अब जो है भारत की जो कैटल ब्रीड है उनको उनके लिए दोस्तों ये चिप एक तरीके से डेवलप करी गई है। दिस इंडिजिनस चिप वॉज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। आपको पता है इंडिजिनस ब्रीड कौन कौन सी पाई जाती है? जैसे देख सकते हैं साहिवाल जो है यहाँ पे पाई जाती है, थिरपाकर, कंकेज, गिर और कंग्रा, यह कंगायम और ओंगोल, ये सारी की सारी भारत की इंडिजिनस ब्रीड है, ठीक है। अगली न्यूज देख लेते हैं, फेक बस्टर टू आइडेंटिफाई डीप फेक्स। ये भी न्यूज में रहा, ये है क्या दोस्तों? हाल ही में IIT रोपर ने मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ, मोनाश यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया हैव डेवलप्ड अ यूनिक डिटेक्टर नेम्ड फेक बस्टर। याद रखिए एक यूनिक डिटेक्टर है जिसका नाम है फेक बस्टर। ये एक दोस्तों एक डीप फेक आइडेंटिफिकेशन टूल है फॉर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बहुत सारे लोग जो है फेक तरीके से आ जाते हैं, फेक आईडी या बहुत सारी फेक वीडियो वगैरह आ जाती है, तो उन्हीं डीप फेक को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक टूल है। समझे कि नहीं समझे? अबाउट डीप फेक्स, डीप फेक्स क्या है दोस्तों? एग्जांपल है डीप फ्रॉम डीप लर्निंग एंड फेक और फोर्ज्ड आर द फेक वीडियो ऑडियो अदर डिजिटली ऑल्टर्ड मीडिया टू अपीयर समवन एल्स और स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो याद रखिए इन सबको डिटेक्ट करने के लिए ये फेक बस्टर आइडेंटिटी डीप फेक्स डेवलप करा गया है। अगला न्यूज है दोस्तों, पब्लिक एंड प्राइवेट की इन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पब्लिक और प्राइवेट का की क्या है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है, याद रखिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेक्नोलॉजी है फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स एंड डिवाइसेस इन द डिजिटल वर्ल्ड। इट यूज्ड टू मैनेज सिक्योरिटी थ्रू इंक्रिप्शन यूजिंग अ पेयर ऑफ कीज फॉर दिस। ठीक है, पब्लिक की क्या है? विच कैन बी यूज्ड बाय एनीवन एज इट इज ओपन डोमेन एंड सीन एज पब्लिक पीस ऑफ डाटा। प्राइवेसी की और सीक्रेट की है क्या है दोस्तों? जो इस्तेमाल करी जाती है फॉर डिजिटली साइनिंग डॉक्यूमेंट विद ओनर एंड ऑथराइजर एज ओनली नोइंग एंटिटी। इट इज कॉमनली यूज्ड इन इश्यूएंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स। समझे कि नहीं समझे? आपको पता है आजकल बहुत सारी प्राइवेट की का इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई आधार कार्ड भी लेते हैं, आधार कार्ड भी जब आपका डाउनलोड हो जाता है ना उसमें भी आपको प्राइवेट की डालनी पड़ती है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है, अगली न्यूज है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों हाल ही में क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि हाल ही में दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया ने डिसाइड करा है कि ये एस्टेब्लिश करेंगे 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। याद रखिए ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया। तो इन्होंने बोला है कि 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करेंगे किस सेक्टर में? हेल्थ केयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर एक्सेट्रा के सेंटर्स में दोस्तों। ठीक है, इस मतलब फील्ड में, इन सारे फील्ड में, हेल्थ केयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट एग्रीकल्चर में दोस्तों। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो है सेटअप करा गया था 1991 में एक प्रीमियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट करना डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सब का दोस्तों एक्सपोर्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये वर्क करता है ऑन कोलैबोरेटिव मॉडल टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन। याद रखिए एज एनविसाज इन नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019। तो जैसा कि भाई एनविसाज करा गया है नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 में कि भाई भारत को दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में एक तरीके से मॉडल बनाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट करनी है। अगली न्यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव। याद रखिए एक इनिशिएटिव लिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। दोस्तों हाल ही में इंटेल ने कोलैबोरेट कराया किसके साथ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। इन्होंने लॉन्च कराया है ये इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव टू क्रिएट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है लोगों के पास, है ना? कई लोग तो समझते भी नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो CBSE के साथ कोलैबोरेट करा ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके। इट इज अ 4-आवर सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रोग्राम
that describes artificial intelligence in an inclusive manner and aims to introduce artificial intelligence to 1 million citizens. तो समझ में आया, 1 million citizens तक artificial intelligence का introduce करवाना ये इसका aim है. इंडिया की नेशनल पॉलिसी आपको पता है 2020 में लाई गई थी, और ये भी एम्फसाइज करती है कि भाई स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर करना, ये भी नेशनल पॉलिसी 2020 का ऑब्जेक्टिव है. नीति आयोग नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिल्ट ऑन फिलोसफी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल एंड फोकसेस ऑन लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. अगली न्यूज देख लेते हैं, डेल्फी. दोस्तों डेल्फी क्या है? दोस्तों डेल्फी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, याद रखिए डेल्फी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसको बिल्ड कराया गया है रिसर्चर्स इन सिएटल. सिएटल एक जगह है दोस्तों, ठीक है. डिजाइन टू मेक मोरल जजमेंट, तो याद रखिए डेल्फी को क्यों डिजाइन करा गया है, ताकि ये जो है मोरल जजमेंट दे सके, ठीक है. इट होप्स टू बिल्ड एन एथिकल फ्रेमवर्क दैट कुड बी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑनलाइन सर्विसेज रोबोट और व्हीकल्स. समझे कि नहीं समझे, ये बिल्ड करा गया है एक एथिकल फ्रेमवर्क में, जो कि प्रोवाइड जो कि इंस्टॉल करा जा सकता है इन एनी ऑनलाइन सर्विस रोबोट और व्हीकल्स के अंतर्गत, ठीक है. ऐसी टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी एड्रेसिंग प्रॉब्लम इन मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सच एज फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटल असिस्टेंट दैट शो बायस अगेंस्ट वुमेन एंड पीपल ऑफ कलर, तो इसमें मदद करेगा. इसके अलावा कंट्रोल करेगा हेट स्पीच को. इसके अलावा आर्बिट्री पेरोल ऑर्डर्स बाय कोर्ट्स पुलिस डिपार्टमेंट, इनको भी मदद करेगा. याद रखिए ये डेल्फी, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि भाई कई लोग जो है आपको पता है पेरोल ऑर्डर जो है आर्बिट्री दे देते हैं कोर्ट्स वगैरह पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट, तो दोस्तों उनको मोरल जजमेंट के आधार पर ये हेल्प करेगा. अगली न्यूज देख लेते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में GPS कहते हैं, GPS क्लॉक्स, ठीक है. GPS क्लॉक्स हाल ही में इंडियन रेलवे प्रोवाइड करेगा, याद रखिए इंडियन रेलवे GPS क्लॉक प्रोवाइड करेगा, और ये रिप्लेस करेगा किसको, एनालॉग मैकेनिज्म को फॉर कंट्रोलिंग ऑफिस टू इनेबल सेक्शन कंट्रोलर्स कोऑर्डिनेटर विद स्टेशन मास्टर लोको पायलट्स एंड अदर स्टाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन एंड अवॉइड एक्सीडेंट. तो दोस्तों आपको पता है जो ग्लोबल जो पोजिशनल सिस्टम क्लॉक है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है, तो ये काफी मदद करेगा जो भी स्टेशन पे दोस्तों सेक्शन कंट्रोलर है इनको कोऑर्डिनेट करने का, किसके साथ, स्टेशन मास्टर लोको पायलट के साथ कंट्रोल कर सकें, ताकि जो भी एक्सीडेंट वगैरह है वो रेलवे में ना हो, ठीक है. अगली न्यूज में है दोस्तों वो है, एक सेकेंड दोस्तों, अगली न्यूज है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम. याद रखिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है ये हुआ था आयोजित इंडिया में दोस्तों नवंबर 2021 में. इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है क्या दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूट करा गया था कॉन्फ्रेंस टू द टूनिस एजेंडा, याद रखिए टूनिस एजेंडा के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था ऑफ द UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम. ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक UN बेस्ड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो कि लाता है रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको टुगेदर लाता है, ठीक है, ताकि ये लोग जो है डिस्कस कर सकें पब्लिक पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट, ठीक है. याद रखिए IIGF जो है फैसिलिटेट करता है डिस्कशन बिटवीन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनीज, समझे कि नहीं समझे, और इन्वॉल्व और कौन कौन सी कंपनी जो इन्वॉल्व होती है इंटरनेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी इश्यूज. अगली न्यूज है दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसको शॉर्ट में RFID कहते हैं. दोस्तों क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब है दोस्तों कि ये इनेबल करता है ट्रैकिंग ऑफ रियल टाइम डाटा ऑफ कमर्शियल मूवमेंट्स ऑन हाईवेज. तो दोस्तों जितने भी कमर्शियल मूवमेंट्स होते हैं हाईवेज पर उनको दोस्तों ट्रैक करने में मदद करता है. GST अथॉरिटीज ने हाल ही में दोस्तों हैव इंटीग्रेटेड ई-वे बिल्स, आपको पता है GST अथॉरिटीज ने ई-वे बिल इंटीग्रेट करे हैं सिस्टम विद फास्टैग एंड RFID, है ना. GST ने हाल ही में ये ई-वे बिल आपको पता है ना फास्टैग और RFID के साथ इंटीग्रेट करे हैं. RFID आपको पता है यूज करता है रेडियो वेव्स को टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन टैग अटैच टू एन ऑब्जेक्ट. आपको पता है कोई भी व्हीकल वगैरह है सामान लेके जाती है और आपको पता है टोल टैक्स वगैरह से गुजरती है तो ट्रक के ऊपर आपको पता है एक वो लगा होता है, क्या लगा होता है दोस्तों टैग लगा होता है, और ये RFID है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता है और टैक्स वगैरह जो भी काटना है वो काट लेता है. जो टैग है कैन बी रीड फ्रॉम अप टू सेवरल फीट अवे एंड डज नॉट नीड टू बी विद इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑफ द रीडर टू बी ट्रैक्ड, समझे कि नहीं समझे. तो याद रखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इस चीज में बहुत ज्यादा मदद करता है. अगली न्यूज है दोस्तों वो है डिजिटल एम्बोजिंग. डिजिटल एम्बोजिंग क्या है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करा जा रहा है फॉर हाई स्पीड प्रोडक्शन ऑफ मैप्स, है ना, मैप्स के हाई स्पीड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एंड
टू प्रोड्यूस ब्रेल मैप्स। ब्रेल मैप्स आपको पता है अंधे लोगों के लिए होते हैं, तो ब्रेल मैप्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है डिजिटल एम्बोजिंग का, दैट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। आप इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों, डीईटी के बारे में दोस्तों, ठीक है। डीईटी दोस्तों जो है ये हो गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अबाउट डीईटी समझ लेते हैं। डीईटी के बारे में क्या है, डिजिटल एम्बोजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझ लेते हैं। हाँ हाँ लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। डिजिटल एम्बोजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि एलिमिनेट करती है द नीड ऑफ प्रिंटिंग प्लेट्स, मोल्ड्स, केमिकल्स एंड सॉल्वेंट, बिसाइड्स रिलीजिंग नो पॉल्यूटेंट्स और वेस्ट एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल एनर्जी यूसेज। तो इस चीज में फायदेमंद है दोस्तों, ये सारी की सारी याद रखिए। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी जो है डिजाइंड और इंप्लीमेंट करी गई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय नेशनल अटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। याद रखिए भारत में पहली बार इसको इंप्लीमेंट करा गया है, जो कि आपको पता है ये जो नेटमो यानी नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। अगली न्यूज है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। हाल ही में दोस्तों ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी करा गया था और इसमें दोस्तों भारत ने 10वां स्थान हासिल करा था पूरे 194 देशों में, ठीक है। याद रखिए अहेड ऑफ चाइना और पाकिस्तान, भारत जो है चाइना और पाकिस्तान से भी आगे रहा था। ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है ये रिलीज करा जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा और द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। और याद रखिए ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, समझे कि नहीं समझे। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, लीगल मेजर्स, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से पिलर्स पे ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आधारित होता है। तो एक है लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स और कोऑपरेशन, ये सारे के सारे 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्स आधारित होता है। एशिया पैसिफिक रीजन में दोस्तों इंडिया सिक्योर्ड द 4th स्पॉट, ठीक है। यूएस रैंक्ड फर्स्ट फॉलोड बाय यूके, तो पहला स्थान जो है यूएसए ने हासिल करा है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगले लेक्चर के जरिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में शुरू करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।